नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भारत माता में। आज हम एक ऐसे तथ्य के विषय में चर्चा करेंगे जिसका आपको ज्ञान तो है, किंतु इस तथ्य के पीछे का कारण क्या था इसका ज्ञान हो सकता है आपको ना हो। प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मिला था? जब अधर्म पर धर्म की विजय का उल्लेख होता है, जब आदर्श जीवन चरित्र की व्याख्या होती है, जब आस्था एवं भक्ति का अद्भुत समन्वय होता है, तब हृदय में एक ही स्वर गुंजायमान होता है, श्री राम। भारतीय इतिहास एवं सनातन संस्कृति में श्री राम केवल प्रभु ही नहीं, अपितु पितृभक्त, मातृ सेवक, स्नेही भ्रातृ, निष्ठावान पति तथा कर्तव्यनिष्ठ राजा के समन्वित स्वरूप में एक आदर्श मानव के मापदंड स्थापित करते हैं। मानवता, प्रेम, विनम्रता, दया, वीरता, सहनशीलता के ऐसे अनुपम आदर्श जिनका अनुकरण हम करना चाहते हैं, परंतु कदाचित ये हमारे सांसारिकता से युक्त जीवन में संभव नहीं। किंतु प्रभु श्रीराम में अपार श्रद्धा रखने वाले तथा उनकी जीवन गाथा से प्रेरणा प्राप्त करने वाले भक्तों के हृदय में एक प्रश्न अवश्य विद्यमान है, प्रभु श्रीराम को 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मिला था? न उससे अधिक और न ही उससे न्यून। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर आपको प्रदान करेंगे। ये तो सभी को ज्ञात है कि श्रीराम ने अपनी माता कैकेयी की आज्ञा तथा अपने पिता महाराज दशरथ के वचन का मान रखने हेतु 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया था। वास्तव में श्री राम के इस 14 वर्ष के वनवास का आधार उस समय का प्रशासनिक नियम तथा पूर्व नियोजित दैवीय नियति का क्रियान्वयन था। रामायण की कथा त्रेता युग के काल की है। उस समय एक प्रशासनिक नियम था कि यदि राज्य का उत्तराधिकारी 14 वर्षों के लिए अपने सिंहासन का त्याग करता है तो उसका राज्याधिकार समाप्त हो जाता है। इसी कारण से रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्षों का ही वनवास मांगा था, जिससे श्री राम जब वनवास के 14 वर्षों की अवधि व्यतीत करके अयोध्या वापस लौटें, तब तक उनका राज्याधिकार समाप्त हो चुका हो। किंतु अब यदि विराट रूपरेखा में इस पूरे प्रकरण की विवेचना की जाए तो श्री राम का वनवास पूर्व नियोजित दैवीय नियति थी। श्री हरि विष्णु के सप्तम अवतार प्रभु श्री राम का धरती पर अवतरण, अधर्म पर धर्म की विजय की संस्थापना तथा धरती पर राम राज्य की स्थापना के उद्देश्य से हुआ था। यद्यपि रानी कैकेयी श्री राम को भरत से भी अधिक प्रेम करती थी, किंतु फिर भी उनके द्वारा श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना प्रभु श्री राम का माता सीता तथा लक्ष्मण सहित वनगमन, लंकापति रावण द्वारा माता सीता का हरण तथा अंततः रावण का वध, ये सब विधि का विधान था जिसके लिए 14 वर्षों के वनवास की भूमिका अत्यंत आवश्यक थी। इस 14 वर्ष के वनवास में प्रभु श्री राम को ऋषि, मुनियों, निर्धन एवं दुखी जनों के अतिरिक्त पशु पक्षियों के उद्धार के विषय में भी विचार मंथन करना था, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं का कल्याण ही राम राज्य की स्थापना का आधार था। इन वृहद कारणों के अतिरिक्त प्रभु श्री राम के 14 वर्षों के वनवास का एक सूक्ष्म कारण भी है, मानव जाति हेतु ईश्वर द्वारा प्रदत्त नैतिक शिक्षा। भगवान विष्णु के महिमामयी अवतार प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन, जिसमें 14 वर्षों का वनवास एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, संपूर्ण मानवता के लिए ये शिक्षा है कि सांसारिक सुख से कहीं अधिक श्रेयस्कर माता पिता का मान, पत्नी का सम्मान तथा प्रजा की सेवा है। भारत समन्वय परिवार की ओर से हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का वंदन करते हैं। जय श्री राम।